I have a lifestyle. लाखों जरूरियात है मेरी में, कहां कैसे सब अफोर्ड करूंगा? निजात 6 सितंबर से बुध शब 8 बजे। अच्छा तो तुमने जकी से बात कर ली? हाँ कर ली। क्या कहा तुमने? यही कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर जकी तुम्हारी इजाजत हो तो। जकी ने क्या कहा? पहले तो गुस्से से देखा, उसके बाद मुस्कुराया और कहने लगा कि अगर मेरी बहन का दिल दुखाया ना, इतना मारूंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। वैसे होश तो मैं भी तुम्हारे ठिकाने ला सकती हूँ, अगर तुमने कभी भी मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो। हाँ हाँ जानता हूँ। फिर भी शादी कर रहे हो मेरे साथ? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारी जुबान की तरह खराब नहीं। क्या क्या बकवास की तुमने? कुछ नहीं। बताओ तो तुमने बोला क्या? अरे कुछ नहीं कहा भाई, अभी कुछ कहूंगा तो तुम शादी से इनकार कर दोगी। क्या सोच रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, मुझे लग रहा था कि मैं वापस नहीं आ सकूंगी। और मेरे को भी लग रहा था कि मेरे को ये घर कभी दोबारा इतना सीखने लगेगा। सब देखो आगे क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है कि सब टेम्परेरी है, सब खत्म हो जाएगा फिर अलग हो जाएंगे? अलग तो मैं तुमसे अब जिंदगी भर नहीं हूं, ये तो मेरा वादा है। लेकिन अगर उसने गुस्से में आके फिर सब कुछ इंटरनेट पे डाल दिया तो मुश्किल तो होगी ना। तो क्या सारी जिंदगी हम इस तरह डर डर के जिएंगे? डर के तो हर शरीफ इंसान ही जिंदगी गुजारता है इसमें, और हम तो टेक्नोलॉजी के इस तूफान की जद में आ गए, इससे कैसे मुकाबला करें? पुलिस ने अगर तुम्हारे साथ बुरा ना किया होता तो उन्हीं से मदद ले लेते। ट्राई तो अब भी कर सकते हैं, हम क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? मारेंगे मेरे, पीटेंगे, फिर से अंदर डाल देंगे। बेइज्जती तो हर हाल में होनी है, बेहतर नहीं है कि हम कोशिश करके देख लें? तो मेरी वजह से दोबारा मुश्किल में पड़ जाओ, ऐसा हरगिज नहीं होगा, कभी भी नहीं। ये मेरी वजह क्या होता है? मैं और तुम अलग हैं क्या? और गीदड़ की तरह दबक के रहने से तो बेहतर है ना कि कोशिश की जाए। ऐसे में इतनी मुसीबतों से गुजर चुकी, एक मुश्किल और से। नहीं जकी, कभी नहीं। बस भी लोग सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए पैसा जमा करते हैं, हमने अपनी औलाद के लिए इज्जत जमा करनी है ताकि उसको ये तो लगे कि हमने कोशिश की। कुछ नहीं होगा मेरे को, डरो नहीं, इतना तो भरोसा है तुम्हें अल्लाह पर, क्यों घबरा रही हो? मैं घबरा तुम्हारी वजह से रहे, मैं नहीं चाहती तुम किसी मुश्किल में पड़ो। ठीक है लास्ट टाइम कोशिश कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? सबूत ही नहीं है हमारे पास। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। बोलो बेटा क्या बात है, क्यों बुलाया हम सबको? मुझे आप सबको बताना था कि मैं ये घर नहीं बेच रहा, मैंने इस घर को मार्केट से उठा लिया। इस तरह क्यों मुझे सब लोग देख रहे हैं? क्या मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको? तुम वाकई ये घर नहीं बेचना चाह रहे? डैड मैं पूरी कोशिश कर रहा था ये घर बच जाए, मैं इस घर को
इस घर की इज्जत को, अपने खानदान के नाम को हर सूरत से बचाना चाहता। आप दोनों की दुआएं और फराह का साथ चाहिए बस। को अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। तो बेटा बताओ ना, बताते क्यों नहीं हो, शेयर क्यों नहीं करते अपनी परेशानी हमसे? क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे माजी में बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी किसी भी गलती की सज़ा फरा कोई आप लोगों को मिले। एक पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। हमने जो कुछ किया है वो तो हमें भुगतना पड़ेगा ही ना। आप क्यों खामखा बच्चे को बातें सुना रहे हैं? वो पहले ही इतना परेशान है, देख नहीं रहे आप? बेटा हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसे कहोगे वैसे ही होगा। बस दुआ करें घर बच जाए, ताकि हम सारी उम्र यहां हंसी खुशी रह सके। मैं तो खुद यही चाहती हूँ, हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती रहती हूँ कि कोई रास्ता दिखा दे। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिखाया। कौन सा रास्ता? ऐसा रास्ता जिससे सबका भला होगा। कभी कभी एक बहुत बड़ा मकसद पाने के लिए अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, और वैसे भी तुम मेरे एक ही बेटे हो, कौन से मेरे 10 बच्चे हैं? हम सब तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। किसका फोन है? बताती हूँ। अच्छा बस अब मुंह ठीक करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, निकाल लेंगे इस मसले का कोई ना कोई हल। हेलो। हेलो, मैं अजमिया बात कर रही हूँ, कोई आसपास तो नहीं है तुम्हारे? तुम्हारा मतलब है फरदीन? हाँ। नहीं फरदीन नहीं है मेरे पास, बताओ क्या बात है? अच्छा हम मिल सकते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा वैसे मुझे भी तुमसे बात करनी है। कैसी बात? वो मैं मिलूंगी तो बताऊंगी तुम्हें। अच्छा अभी मिल सकते हैं? अभी? अच्छा बताओ कहाँ मिलने? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ। ठीक है पहुंचती हूँ। ओके। फराब किसका फोन था, किससे बात कर रही थी तुम? ये अजमिया का फोन था ना? ऐसे क्यों कह रहे हो, अजमिया का फोन नहीं था। फोन दिखाओ मुझे अपना। रिलैक्स, एक दोस्त की कॉल थी अमेरिका से, उसे कुछ चीजें चाहिए थी इसीलिए कॉल करी थी। तुमने बताया नहीं इसे कि हम अमेरिका नहीं आ रहे? नहीं, आई थिंक अभी किसी को कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मैं आती हूँ। फराब तुम ठीक हो ना? नाराज तो नहीं हो मुझसे? नहीं नाराज नहीं हूँ, थोड़ी सी परेशान हूँ। परेशान तुम सभी हैं, बड़ा टफ टाइम आ गया हमारी फैमिली पे। हम ऐसा क्यों कहते हो बार बार कि हमारी फैमिली के लिए टफ टाइम है? टफ टाइम तो अजमिया के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। उसकी वजह से ही आया ये टफ टाइम हम सब पे, पैसे ही नहीं आ गया। शायद ठीक कह रहे हो। चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कैसे करूं, लेकिन ये बात करना भी जरूरी है। तुम्हें याद है जिस दिन मैं सबके सामने आकर खाला को बताया था कि फरदीन ने मुझे तलाक दे दी है? हाँ, और मैंने तुम्हारा साथ दिया था, और तब भी तुम्हारा ही साथ दिया था जब तुम सबके सामने माफी मांगने के लिए आई थी। मैं जानती हूं, जब ही एक बार फिर आई हूं तुम्हारे सामने,
कि शायद तुम मेरा साथ दो अपने शौहर के खिलाफ। फरहान, फरदीन अब भी मेरे पीछे पड़ा है। बहुत सारी लड़कियों को यही खुशफहमी होती है कि उनके एक्स उनके पीछे पड़े हैं। हसमिया, trust me, फरदीन साइको नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो साइको है या नहीं, मगर उसने जकी से कहा है कि वो मुझे तलाक दे दे ताकि वो मुझसे शादी कर सके। आई नो, जानती हूँ मैं ये। You know that. Of course. क्योंकि फरदीन मुझसे कोई बात नहीं छुपाता और यकीनन ये बात तुमसे जकी ने की होगी, है ना? इसमें तुम बहुत अच्छी लड़की, लेकिन तुम बहुत बुरे लोगों में फंस चुकी हो। झूठ बोला है तुम्हारे शौहर ने तुमसे। फरदीन जकी को नहीं बल्कि जकी फरदीन को ब्लैकमेल कर रहा है। जकी? जकी क्यों करेगा ऐसा? पैसों के लिए। उसने कहा है वो तुम्हारी वीडियो लीक कर देगा। आर यू मैड? क्या बोल रही हो तुम? पहले भी तो उसी ने लीक की थी ना तुम्हारी वीडियो। नहीं फरहा, उसने कुछ नहीं किया था। छोड़ो असमिया, तुम नहीं समझोगी। फरदीन अपना घर बेच रहा था कि उस जकी को 20 करोड़ दे सके ताकि वो तुम्हारी इज्जत बचा ले। 20 करोड़? फरदीन किसी को अपना बुखार ना दे, 20 करोड़ देगा, वो भी मेरी इज्जत बचाने के लिए? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? देखो, जकी इस नंबर से फरदीन को कॉल करता है। ये जकी का नंबर नहीं है। दो फोन नहीं रखते लोग? अच्छा, तुमने कॉल किया इस नंबर? बहुत दफा बंद रखता है वो ये नंबर। हसनिया, पता नहीं तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं जानती हूँ फरदीन झूठ नहीं बोल रहा। वो वाकई अपना घर बेच रहा था ताकि तुम्हारे शौहर को वो पैसे दे सके। फिर हमने सोचा कि हम जितने भी पैसे दे ले, सकी सुधरने वाला तो है नहीं। इसलिए तुमने फैसला कर लिया कि तलाक करवा दूं। जाहिर है, तुम्हें जकी के चुंगल से भी तो आजाद करना है ना। बहुत सफर किया फरदीन ने तुम्हारे लिए और अभी तक कर रहा है। इसमें मुझे तो समझ नहीं आ रही, फरदीन अगर तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, कैसे इन्वॉल्व होगी तुम इस सकी के साथ? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तुम जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की फरदीन जैसे मर्दों की बातों में कैसे आ जाती है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने आप से पूछो। मेरा तो कजन था फरदीन, जकी तुम्हारा कौन है? जकी मेरा सब कुछ है। एक सेकेंड। हेलो। जी जी जी, मुझे याद है जी, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। फरा, मैं जानती हूं मैं फरदीन के बारे में कुछ भी कह दूंगी तुम मेरी किसी बात का यकीन नहीं करोगी। ठीक वैसे ही जैसे तुम जकी के खिलाफ कुछ भी बोलोगी मैं यकीन नहीं करूंगी। लेकिन मेरे यहां से जाने के बाद एक बात पर गौर जरूर करना, दोनों में से कोई तो झूठ कह रहा है। अजमिया, तुम्हारी फाइल। अरे कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारा अपॉइंटमेंट तो 3 बजे का था। मैं फरा से मिलने के लिए गई थी। फरा से मिली? खैरियत तो है? और बता के तो जाया करो यार, परेशान हो रहा था मैं। हाँ सब ठीक है, फिक्र करने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो,
इस नंबर से फरदीन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। फरदीन को ब्लैकमेल? हाँ, ये फरदीन को ब्लैकमेल कर रहा है और फरदीन फरा से कह रहा है कि तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने क्या बोला था तुम्हारे को अजमी, बहुत ही शातिर आदमी है फरदीन। किस नंबर को ट्राई किया मिला के? मैंने ट्राई किया है लेकिन नंबर बंद है। क्या इस नंबर से पता चल सकता है कि ब्लैकमेलर की लोकेशन क्या है? ये कोई आसान काम तो नहीं है, मुश्किल है, लेकिन मैं पता करता हूँ कुछ। नंबर भेजो मेरे को। हाँ। चल चले यार जकी, एक बार फिर सोचते हैं। ये आप सोचने को कुछ नहीं रह गया असलम, मेरे को उस बंदे की लोकेशन चाहिए और उसके लिए मेरे को पुलिस की मदद चाहिए। पुलिस हमारी मदद क्यों करेगी? कोई सबूत है हमारे पास? नहीं, सबूत तो नहीं है हमारे पास। तो अब क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कोई तरीका होना कि वो ब्लैकमेलर मेरे को खुद ही रब्ता कर ले। हाँ, ये कैसे होगा? ओ मेरे भाई, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन ना, दुनिया में कुछ नहीं होता। मेरे को बस ये सोचना है कि ब्लैकमेलर खुद ऐसे मौके पे क्या करता होगा। मैसेज? अबे हाँ ना, मैसेज। पर मैसेज कैसे करेंगे, उसका तो नंबर ही बन जा रहा है। हाँ तो वो फरदीन को कॉल करने के लिए फोन तो खोलेगा ना, तब मिल जाएगा उसको मेरा मैसेज। हाँ ये सही है, फिर तो कोई डासू मैसेज लिखना पड़ेगा। हाँ कुछ ऐसा ही लिखता हूँ कि मेरे को कॉल करने पे मजबूर हो जाए वो। हेलो, पता चल गया तुम्हें मेरे बारे में? कौन हो तुम? 20 करोड़ का पता है, ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। मेरे को मिलना है तुमसे। मुझे भी लगता है कि मुझे तुमसे मिलना होगा। कहाँ आना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ मैसेज करके। ठीक है। और आप, तुम कब आई, कहाँ चली गई थी? क्या हो गया, चुप चुप क्यों हो? नहीं बता सकती अभी। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बात करूंगी तो बात बढ़ जाएगी और फिर तुम नाराज हो जाओगे। मैं और तुमसे नाराज हो जाऊं? तुम मेरा इतना साथ दे रही हो, मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। चलो बताओ शाबाश, क्या बात है? असल में मैं सोच रही थी, कौन इतना घटिया इंसान हो सकता है जिसे अपने होने वाले बच्चे की भी परवाह नहीं है। किसकी बात कर रही हो तो? जकी की। अजमिया प्रेग्नेंट है? तुम्हें ये बात नहीं पता थी? तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली अभी मैं अजमिया से ही मिलके आ रही हूँ। तुमसे झूठ कहा था मैंने। अच्छा ना, आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ उसे समझाने के लिए गई थी। मैंने उसे बताया कि तुम उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। और फिर? फिर वो चुप हो गई। मुझे लगा कि वो मेरी बात समझ रही है। जब वो जाने के लिए उठी तो मैंने देखा उसके पास मटर्निटी होम की फाइल थी। इसका मतलब है वो प्रेग्नेंट है। I don't care. तो मेरी बात समझ नहीं रहे हो फरदीन? उसे देख के ये लग नहीं रहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना ये सब जान के। देख के जो सब हो रहा है मेरे साथ है ना। तो मुझे गलत समझ रहे हो फरदीन? मेरी एक बात सुन लो तुम, मैं हार नहीं मानूंगा। कैसी बातें कर रहे हो फरदीन? तुम जानती नहीं उसे, वो बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, बहुत चला के वो। तुम कैसी बातें कर रहे हो फरदीन? अभी उसका दिमाग दुरुस्त करता। फरदीन ये क्या कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो फरदीन? हटो मेरे रास्ते से, जो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? बकवास बंद करो तुम, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। अजमिया के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही हो।
तो तुम्हारी मदद करने के लिए गई थी। ओ शट अप, मेरी मदद माय फॉल्ट। भी मजा चखाता हूं मैं तुम्हें भी और उसे भी। ये क्या कर रहे हो फरदीन? फरदीन, फरदीन तुम अस्मिया को मैसेज क्यों कर रहे हो? फरदीन मेरा फोन, शट अप। फरदीन मेरा फोन दो। फरा हमारी साइड पे हो गई है। कैसे पता चला? उसने मैसेज किया है, बुला रही है मिलने के लिए। तो एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, ऐसे वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए, मैं अकेले चली जाती हूँ। तुम ऐसा करो, असलम भाई को कॉल करो, पुलिस को इन्फॉर्म करने का वक्त आ गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं अभी असलम को कॉल करती हूँ। जकी, हट बैठ। चाय? नहीं, चाय नहीं पीऊंगा मैं। तुम मेरे को कैसे पहचानते हो? मैं तो तुम्हारे सारे खानदान को जानता हूं, तो फरदीन ने मेरे बारे में तुम्हें बता ही दिया। मुझे पता था वो मुझे डबल क्रॉस करेगा, बहुत चलाक है वो। तो वो तुम्हारे को 20 करोड़ देने के लिए अपना घर बेच रहा था? हाँ, अब नहीं बेच रहा क्या? नहीं नहीं, बेच रहा है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा है क्या कि इतनी बड़ी रकम देने को तैयार है वो? उसने तुम्हें नहीं बताया अभी तक? नहीं, मेरी ना असल में उसकी बीवी से बात हुई थी, उससे नंबर मिला है तुम्हारा। वो तो घर में सबको कहता फिर रहा है कि मैं उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। बहुत तेज है वो, और तुम्हारे तो पीछे पड़ा हुआ है, चलता है तुमसे। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे तुम्हारा बदला भी ले रहा हूं। वो कैसे? मैं बहुत आराम से साबित कर सकता हूं कि वो जबरदस्ती वीडियोस बनवाता था और नाम तुम्हारा लगा देता। और इन सबूतों के लिए वो तुम्हारे को रकम देने को तैयार है, और अगर इसे ना दिए तो? देगा, जरूर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसकी वीडियोस जंगल की आग की तरह फैला दूंगा, और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। वो तो सही है, लेकिन अगर तुमने वीडियोस फैला दी तो मेरी बीवी भी तो बदनाम होगी। हाँ ये तो है। देखो, मेरा और तुम्हारा फायदा इसी में है कि वो पैसे देते, तुम उसको कन्विंस करो। मैं वादा करता हूं कि मैं सारी वीडियोस डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ओ यार, मेरा टाइप भी ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों की जिंदगी खराब करूं, मुझे तो सिर्फ फरदीन से प्रॉब्लम है। देखो, अगर तुम्हारा टाइप ये नहीं है तो फिर मत करो ना ऐसा, कि तुम तो जानते हो मेरी बीवी बेकसूर है। यार मेरा भी क्या कसूर है, मैं क्यों सफर करूं? देखो, तुम उसको समझाओ, इसी में हमारी बेहतरी है। वो नहीं मानेगा। तो यार मैं कैसे मान जाऊं? तुम आराम से बैठो, सोचो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूं। एक चाय? हाय। तो फरा कहाँ है? फरा नहीं है, उसका फोन है, इससे काम चलेगा? पुरानी यादें ताजा कर दी तुमने, हमेशा मुझे इसी तरह धोखा देती हो तुम। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। हमेशा धोखा दिया तुमने मुझे, बेवकूफों की तरह स्टेज पे दूल्हा बना बैठा रहा और तुम
उस दर्जी के साथ भाग गई थी, और आज देखो फिर मेरे साथ गेम कर दिया। फिर तीन महीने तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं की है। मैंने सुना है भले वो दर्जी तुम्हें तलाक दे दे, लेकिन तुम फिर भी मुझसे शादी नहीं कर पाओगी जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता, या फिर तुम्हारा बच्चा मर नहीं जाता। अब मेरे पास सिर्फ तीन रास्ते हैं, या तुम्हें मार दूं, तुम्हारे बच्चे को मार दूं, और फिर एक काम करते हैं, लेट्स प्लान आउट एन एलिमिनेशन प्रोसेस। तीन रास्ते हैं मेरे पास, तुम्हें मार देता हूं और खुद गिरफ्तार हो जाता हूं, और तुम्हें मार के तुम्हारी लाश यहीं फेंक देता हूं, या फिर तुम्हारे बच्चे को मार देता हूं। लेकिन नहीं यार, इतना जालिम नहीं। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता, तुम्हारी वीडियो मैं इतने सर्वर से अपलोड करूं कि तुम्हारी आगे आने वाली 10 नस्लें भी ना भूल पाए कि अजमिया थी कौन। क्या हुआ, डर लग रहा है? चलो एक काम करता हूं, तुम्हें मार ही देता हूं मैं, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब भी तुम्हें मारने का सोचता हूं, जो मेरे दिल में मोहब्बत है ना तुम्हारे लिए, वो मुझे रोक लेती है। एक रास्ता और है। देखो उसमें मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम उस दर्जी से अपनी शादी रखनी है, तुम रखो। मैं फरा से अपनी शादी निभाता रहूंगा, क्यों ना हम इस बीच अपनी मोहब्बत दोबारा से शुरू करें। देखो ये अमेरिका में बहुत कॉमन है, चोरी छुपे रोमांस करने का मजा ही अलग है। क्या कहती है? बोलो। अरे आओ आओ, तुम्हें भी ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा बना। क्या है इसमें? अच्छा, और उससे पहले मैं तेरी ब्रेकिंग न्यूज बना दूं तो? आशिम से मिल गया आ रहा हूं मैं। हाँ, तेरे आशिम से। यकीन नहीं आ रहा? ये ले, सुन। हमारे पास ऐसा है क्या कि इतनी बड़ी रकम देने को तैयार है वो? मैं बहुत आराम से साबित कर सकता हूँ कि वो जबरदस्ती वीडियोस बनवाता था और नाम तुम्हारा लगा देता, और इन सबूतों के लिए वो तुम्हारे को रकम देने को तैयार है, और अगर से ना दिए तो जरूर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसकी वीडियोस जंगल की आग की तरह फैला दूंगा, और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। लिया, और अभी जो तुमने ये सारी बकवास की है ना, ये सारा तमाशा भी लगाया ना, ये भी रिकॉर्ड हो गया है, कहते तो सुनाऊं? और बहुत वीडियो अपलोड करता ना है तू, तो मेरे पास तेरी भी वीडियो है, अनएडिटेड वीडियो, जिसमें तेरा ये मनहूस थोबड़ा भी शामिल है। अभी ये काम करते हैं ना, यू अपलोड करते हैं, बल्कि गेम खेलते हैं, देखते हैं पहले कौन अपलोड करता है। चल शाबाश, 1 2 3। तुम वो अपलोड नहीं कर सकते हो, तुम क्यों अपनी बीवी को बदनाम करोगे? वो तो हर हाल में ही होगी, लेकिन अब तेरे बर्बाद होने का वक्त आ गया है। चल अपलोड कर, 1 2 3। सखी,
परदीन रुको। पीछे करो, हमारे पास अरेस्ट वारंट है आपका। चलिए सर। प्लीज मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं यहां पर क्यों हूं। मेरी और तुम्हारी उन सलाखों के पीछे पहली और आखिरी मुलाकात, क्योंकि मैं खुद तुम्हें यहीं देखना चाहता हूं। जैसे बाप के लिए इससे बड़ी सजा हो ही नहीं सकती जो अपने जवान बेटे को अपने ही हाथों से सजा दे। तुम्हें मालूम है तुम्हारी मां सदमे से बेहाल है और हॉस्पिटल में। मुझसे क्या माफी मांगते हो? मैं तो खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। माफी मांगनी है तो अल्लाह पाक से मांगो, शायद तो तुम्हें माफ कर दी। डैड, 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 मैं मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। Dad! ये सब क्या है जकी? ये सब ये हमारे लिए, हमारी उस खुशी के लिए जो हमें फरदीन के गिरफ्तार होने की सूरत में मिली, और वो उन्हें हाशिम वो भी पकड़ा गया। फोन दो अपना। फोन क्यों? कुछ डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है? वीडियो। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, वीडियो? इसमें तो वीडियो ही नहीं है। नहीं, नहीं मिली क्योंकि ऐसी कोई वीडियो है ही नहीं। तुमने ऐसे ही कह दिया था? हाँ, ऐसे ही कह दिया था मैंने, क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था कि डरने की क्या जरूरत है, ऊपर वाला
किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। और तुमने भी ठीक कहा था, हमें पहले ही पुलिस के पास चले जाना चाहिए था, डरना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है सखी, तुम मेरी जिंदगी में उस वक्त आए थे जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई उम्मीद नहीं थी, ना कोई रास्ता था ना ही कोई मंजिल थी। और फिर तुमने मेरा हाथ थाम मुझे सारी मुश्किलों से निकालते चले गए। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती हूँ कि मुझे तुम जैसा मोहब्बत करने वाला इंसान मिला। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते कब की मर चुकी होती। ऐसा कभी बोलना भी नहीं, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं। ओ, क्या कहते हैं वो लोग, मेड फॉर ईच अदर। तुम्हारी लव स्टोरी भी अजीब रही ना, शुरू जरूर ट्रेजेडी से हुई लेकिन हमारी एंडिंग हैप्पी होनी थी। और अब हम अपने सारे ख्वाब पूरे करेंगे, खुल के जाएंगे। बॉस, मेरे बन जा।